जारी है मुमरा कौसा में हिप्नोटाइज करके महिला बुजुर्गों की सोने की चेन उड़ाने का काम। ऐसे ही फिर एक महिला बुजुर्ग की चेन चोरों ने उड़ा ले गए। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में लगे ऐसे मनाया जा रहा है हिंदुस्तान के 75वें स्वतंत्रता दिवस में। मैं शेख शाहिद, आज का महानगर में आपका स्वागत है। जुलाई 23 तारीख शनिवार के रोज सुबह 10 बजे का वक्त था। एक महिला बुजुर्ग मुमरा बाजार से अपने घर का बाजार लेके वो अपने घर की तरफ जा रही थी। उन्हें दत्तूवाड़ी परिसर में उन्हें जाते हुए एक व्यक्ति रास्ते में उन्हें रोकता है, कहता है माजी वहाँ पुलिस वाले आपको बुला रहे हैं। अब ये महिला बुजुर्ग वहाँ पुलिस वाले बुला रहे हैं सुन के उनकी तरफ बढ़ती है, तो दो व्यक्ति वहाँ खड़े रहते हैं। वो उस महिला बुजुर्ग को कहते हैं आपके गले में सोने की चेन है और लगातार यहाँ सोने की चेन चोरियाँ हो रही है, आप अपनी चेन उतार के अपने पर्स में रख के अपने घर जाइए। हम आपको इस घटना की पूरी सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं, किस तरीके से ये महिला बुजुर्ग की चेन ये दोनों मिलके चोर किस तरीके से उतार रहे हैं और महिला बुजुर्ग अपने हाथों से अपने पर्स में ये चेन डाल रही है और उनके हाथों से पर्स कैसा ये रिटर्न खींच रहे हैं। मतलब इस तरीके से महिला बुजुर्ग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, जैसे हिप्नोटाइज किया गया हो या हाथ की सफाई की गई हो। ये पूरा मामला इसी तरीके का है और लगातार मुमरा में ये इस तरीके की तीसरी बार चोरी की गई है और सील डाइगर साइट में भी हिप्नोटाइज करके ऐसे ही लोगों को वहाँ पर भी चोरी होने की हमें खबर मिली है और लगातार ये चोर यहाँ निकले हुए हैं। तो हमारी सारी महिलाओं बुजुर्ग से माँ बहनों से ये गुजारिश है, ये जब बाजार को जाएं या रास्ते पे जाएं कोई अनजान व्यक्ति आप लोगों को आवाज़ दे तो उसकी तरफ बढ़े नहीं आप, या ऐसे ही आपके गले की चेन है या कान के है ऐसे उतारने का काम ये लोग कर रहे हैं और ये हिप्नोटाइज करके या हाथ की सफाई दिखाई के आपके जो भी जेवरात है ये चोरी कर ले जाएंगे, तो आपको सतर्क रहना है। मुमरा में ऐसे चोरों का ग्रुप सक्रिय हो गया है, आपको सतर्क रहना चाहिए ऐसे चोरों से। मुमरा पुलिस स्टेशन इसकी जांच कर रही है। यह महिला बुजुर्ग की शिकायत पे वहां लगे हुए सीसीटीवी फुटेज जो लिए गए हैं उसके आधार पे मुमरा पुलिस इनके पीछे जोरों में मेहनत कर रही है पकड़ने के। मौसी क्या नाम है आपका? रोहिणी मारुति दूरी। मौसी आप बाजार से आ रहे थे तो आपके साथ क्या हादसा हुआ है जो आप पूरे सामान ले लिए गए, पर्स ले लिया गया? मतलब मौसी तुम्हें इकड़े या ओळखीचा कोणतरी असेल म्हणून पुढे गेली, म्हणतो तुम्ही चेन बिन घालून जायचं नाही पुढे चेन बिन मारतात लोक, तुम्ही चेन काढा तुम्ही नाही म्हटलं, मी म्हणते नाही म्हणते काढा तरी, तर मी काढली आणि पर्समध्ये ठेवली, पर्समध्ये परत ठेवली ना तर खेचून घेतली माझी हातात आणि पिशवी सगळी तपासली, पिशवीमध्ये काय नव्हतं साबण वगैरे असा होता, पिशवी तपासली त्याने काय त्यांनी चेन घेतली आणि मला म्हणजे ही काय तुमची चेन ठेवली मी तुमच्या पर्समध्ये, मला वाटतं याने ठेवली म्हणून पर्स घेतली आणि गेली घरी तुकडची चेन नव्हती त्याच्यामध्ये। किती माणूस होते? दोघ जण होते, त्यानंतर त्याला तिसरा कोणतरी आला, मी तो कोण आला माहिती आहे, पण दोघ जण होते ते कुठेवरून आलेले। तुम्हाला माहिती आहे कोण होता तो? नाही एवढं काय माहिती। मोशी पर्समध्ये क्या क्या रखे थे आप लोग? पर्समध्ये साबण होतं आणि खायचं काहीतरी घेतलेलं मी, खायची वस्तू होती। चेन आपकी कितने तोले की थी? चेन एक तोळ्याचे वर आहे। और कुछ पैसे भी थे उसमें? पैसे तसेच आहे, पैसे नाही घेतले। पैसे पण घेतले तो? नाही पैसे नाही घेतले, खाली चेन घेतली।